अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायके में। नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल, इजी और टेस्टी पनीर डोसा। पनीर डोसा बनाने के लिए यहाँ पर हमने पनीर ग्रेट करके रखा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही हमारे पास ये डोसा बैटर है। डोसा बैटर बनाने का तरीका आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सीजनिंग में इस तरह से हम डाल रहे हैं, ऑल पर्पज सीजनिंग ली है और चिली फ्लेक्स लिया है। डोसे का बैटर जो है इसमें नमक नहीं है, तो अभी हम इसमें नमक मिला देंगे पाव चम्मच। तो जितना बैटर हो उसके हिसाब से आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। नमक मिलाने के बाद इसको आप अच्छे से ऊपर नीचे कर लें, ताकि नमक जो है वो एक जगह ना रह जाए। अगर आप नमक डालने के बाद मिक्स नहीं करेंगे तो नमक जो है वो एक जगह सेट हो जाएगा, और फिर कहीं आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए, बहुत सिंपल सा है, और अब इसको हम डोसे को बनाना शुरू करते हैं। तो तवा हमने प्री हीट करने रख दिया है। तवा हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, बस इस पे अब हमने डोसा बैटर डालना है। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं वो बिल्कुल ठंडे तवे पे डालें, और उसके नीचे फिर बाद में तवे के नीचे फ्लेम चालू करें। तो एक स्पून भर के हम यहाँ पर बैटर डाल रहे हैं, और बैटर डालने के बाद आपने हल्के हाथ से इसको फैला देना है। इस तरह से आप सब तरफ हल्के हाथ से फैलाएं, ज्यादा जोर से प्रेस करने की जरूरत नहीं है। बस अब हमने फ्लेम फास्ट कर लेनी है, और कुछ मिनट के लिए हमने रुकना है। जैसे ही ये किनारे छोड़ना शुरू कर देगा, तब इसके ऊपर हम जो भी हमने सीजनिंग या जो भी चीज बनाए आप वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। एक बार इस तरह से प्रेस करके देख लें, देखें अच्छे से ऊपर से भी कुक हो गया है। तो सबसे पहले तो हम इसके किनारों की साइड में देसी घी डाल रहे हैं, क्योंकि हमको देसी घी में बना हुआ डोसा ज्यादा पसंद आता है। और आप चाहें तो अमूल बटर डाल सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल देंगे। चलें, अब हमने पनीर डाल देना है, अच्छे से सब साइड स्प्रिंकल कर देना है आपने। ये स्प्रिंकल करने के बाद आप इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल दें। जितना स्पाइसी आप खाएं उस हिसाब से ही आपने ये सब करना है। और थोड़ी सी डाल देंगे हम इसके ऊपर सीजनिंग। देखें, इसने किनार छोड़ दिए हैं। पनीर थोड़ा सा अगर आपको कम लगे कहीं कहीं, तो आप पनीर थोड़ा सा और डाल सकते हैं। चलिए, एक डोसा बनके हमारा रेडी हो गया। अब इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे, और चाहें तो आप इसको एक फोल्ड और कर लें। जिस तरह से स्ट्रीट्स पर मिलता है, तो वैसे ही आपने इसको कर लेना है। न्यू जो कमर्स हैं सीखने वाले, तो उनको ये ध्यान रखना है कि वो डोसा का पैन जो है वो गर्म होता है, तो उसमें दोबारा अगर डालने में मसला आता है, अक्सर ऐसा होता है ये चिपक जाता है। तो तवे को एक बार पानी का छींटा मार लें, या तवे को एक बार पानी से धो लें। तो किस तरह से छींटा मारना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने, इस तरह से आपने पानी का छींटा मारना है, और जैसे ही ये बबल्स इसके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप इसमें डोसे का बैटर डालें। फ्लेम इस वक्त बिल्कुल स्लो है, तो फिर आपने जल्दी जल्दी इसको फैला देना है। फ्लेम हम थोड़ी सी फास्ट कर लेंगे। जैसे ही ऊपर से ये कुक हो जाता है, जैसे कि ये दिख रहा है,
बस साइड से आप घी या अमूल बटर जो भी आप चाहें वो यहाँ पर डाल दें। फटाफट डाल देंगे हम पनीर। ये मलाई पनीर है इसलिए बहुत ज्यादा स्प्रिंकल नहीं हो पा रहा है, और आप लोग अमूल का पनीर लें तो वो थोड़ा अच्छे से ठहर जाता है, ग्रेट हुआ भी दिखता है। तो ये मलाई पनीर तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। चलिए अब सीजनिंग डाल देते हैं और साथ साथ डाल देंगे चिली फ्लेक्स। और इसको स्प्रेड कर देंगे। हमने थोड़ा एक लिमिट में डाला है पनीर, आप चाहें तो भड़के थोड़ा अच्छा अच्छी क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और सेम वे से आप चीज डोसा भी बना सकते हैं। तो देखा ना कितना सिंपल है, पनीर की जगह आप चीज ग्रेट करके डाल सकते हैं। और सेम चीजें रखिए, ऑल पर्पज सीजनिंग ना हो तो मिक्स अप डाल लीजिए। चलें इसने साइड छोड़ना शुरू कर दिया है, बस इसे थोड़ा सा हम और कुक कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा बाकी है सिकना इसका। तो ये डोसा भी हमारा रेडी हो गया है, इसको भी हम टर्न कर लेंगे। पहले हाफ में डिवाइड कर लें और हाफ के बाद और इसको हाफ कर लें। चलिए इसको हाफ को प्लेटिंग करके दिखाते हैं। अब आपने जितने पीसेस में कट करना है उतने पीस आप इसके कट कर सकते हैं। तो देखा नाज़रीन कितना यमी सा ये डोसा बनके रेडी हुआ है। और आप चाहें तो इस तरह से चीज डोसा भी बना सकते हैं। ये इसके साथ हमने चटनी भी सर्व की है, चटनी की रेसिपी भी हमारे चैनल पर अपलोड है। तो नाज़रीन अगर आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज।